धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी 1980 में हुई थी, लेकिन इस शादी के पीछे एक रोमांचक कहानी है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की पहली मुलाकात फिल्म तुम हसीन में जवान के सेट पर हुई थी। उस समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, लेकिन उन्हें अपने प्यार को छुपाना पड़ा। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर इस शादी के खिलाफ थीं। उन्होंने धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से अलग होने के लिए कहा, लेकिन धर्मेंद्र ने उनकी बात नहीं मानी। 1979 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। इस शादी के बारे में किसी को भी नहीं पता था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपनी शादी को छुपाने के लिए कई तरह के उपाय किए। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी के बारे में जब प्रकाश कौर को पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने धर्मेंद्र के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। इस केस में धर्मेंद्र को अपनी पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया गया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को अब 43 साल हो चुके हैं। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी की कहानी एक रोमांचक कहानी है। इस कहानी में प्यार, धोखा और संघर्ष सब कुछ है। ये कहानी हमें यह बताती है कि प्यार के लिए सब कुछ किया जा सकता है।